अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। कैसे, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैं अभी फ्रेश होके अपना गरम गरम पानी पी रही हूँ और ये गरम पानी पीने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। और हस्बैंड जी का भी गरम पानी रखा है, उनको भी दे देते हैं। लीजिए गरम पानी। आप कौन? तुम आ गए मेरे फूल। हाँ, कैसे हो मेरा? आओ इधर आओ, इधर। उसको वहां पे रखा हुआ ना उसका कैट फूड, तो वो वहीं जा रहा है, उसको पता है कि उधर ही रखा है। आओ, चाहिए चाहिए, आप भी चाहिए इसको इसको। कभी कभी सुबह सुबह निकल जाना चाहिए नाश्ता पानी करने के लिए, एक छोटी सी आउटिंग हो जाती है और दिमाग और दिल दोनों फ्रेश हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप एकदम है हाई फाई उठे जाओ, कहीं बैठ के ऐसे ढाबे पर भी खा सकते हो। ऐसी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, शॉप वगैरह, वहाँ पे बैठ के छोटे छोटे होटल होते हैं। आजकल तो ठेले पे तो ज़्यादा बिकते हैं सब नाश्ते वाले सामान, स्ट्रीट फूड वगैरह। कैसे दिए नारियल पानी? 40 वाला, 50 वाला? तो 500 का छुट्टा है? है 50 वाले में मलाई है क्या? हाँ तो ला के दे दीजिए एक 50 वाला। एक तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ? मैं नारियल पानी मंगा रही हूँ बाबू अपने लिए। इसको निकाल के देंगे, निकाल के देंगे। हाँ तो गिलास लाऊं? हाँ लाइए। बड़ा गिलास रहेगा छोटा के? छोटा कोई भी लाए। अच्छा ओके। चेतू तुम भी पियोगे? देखते हैं कितना पानी आता है उसमें। ये स्टील का है बड़ा, अब देखते हैं इसमें कितना आएगा। ये तो पूरा भरा भी नहीं भाई। हमारा नारियल पानी, ये है मलाई, ये इतना सा ही पानी निकला, इसमें मेरा पाव लीटर भी नहीं होगा। मलाई है, मलाई वाले में कम पानी रहता है। नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है, हस्बैंड जी का ये प्लेट है और ये मेरा है। और चाय अभी इसमें है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी चाय अभी गर्म हो रही है, तो चलो इसको फास्ट वाले पे रख देते हैं, गर्म फटाक से हो जाएगा गर्म। क्या पालक नहीं पसंद है? पालक से पथरी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा आयरन पथरी के लिए पालक से ही नुकसान है। ऐसा होता तो कोई खाता ही नहीं। अब जिसको पथरी है वो ना बढ़ने पाए इसलिए नहीं खाता है। पालक मुझे पसंद है लेकिन मेरी पथरी खाना चाहिए। ये जो है डॉक्टर लोग बोलते हैं ये सब पालक, पालक जो है मैं पथरी के कारण नहीं खाता, मैं तो मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। चलो जी आ जाओ, आ जाओ, जाओ, चलो सब लोग खाना बनवाओ मेरे साथ में। तो मैंने खाना चढ़ा दिया है, मूंग की दाल है बगैर छिलके वाली, आज वो दाल बना रही हूँ। और आटा गूंद के रख दिया है, बर्तन जा रही हूँ धुल ले। तो शाबाश, चलो आ जाओ मेरे साथ में बर्तन धुल ले। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, टाइम हो गया है खाना खाने का, काम मेरे हो गए हैं। और है खाने में है दाल चावल और ये है अंडे की भुर्जी, इतनी मतलब बची हुई है, बेटे के लिए बनी हुई थी
तो इतना जो है बच गया था, तो मैंने सोचा मैं इसको खा लेती हूँ। साथ में अपने ब्लॉग का भी एंड करना चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एक मिनट, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, और लाइक भी नहीं किया है, गंदी बात, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।